ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਦੀ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੋਂਟੈਨਾ USA ਤੋਂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਆਉਣਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ जगह है द मिसूरी रिवर कैनियन एंड ओल्ड US हाईवे 91 रॉकी माउंटेन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੜਾ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਆਇਲੈਂਡ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਤੇ ਆੜਾ ਲੋਡ ਆ ਆਪਣਾ ਲੰਬਰ ਦਾ ਡਮੈਂਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਡਮੈਂਟਨ ਦੀ ਆ ਸੋ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸੀ ਡਮੈਂਟਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ इंसुलेशन वाली यार रूफ जी बनाई जाते हैं इतने अच्छा सो जी OSB असं डिलीवर कर रहे हैं वो नया स्टैक जो बना बना रखे है ना उन्होंने फोम पा देंगे तो इंसुलेशन वाला पैनल बना के छत्ता लाने रूफिंग इंसुलेशन रूफिंग करते इतने है ना सो चीज़ जी ड्रॉप ऑफ कर रहा मैं आ ट्रक है अपना ये लिया लाया इतने टॉम नहीं लभ रहा मैंने जिन्हें लोड लाना है इतने कभी होना है शायद अनलोडिंग हो गई है शुरू गर्मी हो गई इतने काफ़ी सारी अमेरिका के कितने वाद गर्मी है अपने कैनेडा नालों लोड ला देना है हम फटाफट पर अपना काम डन है इतने पूरे टाइम तो ही आया फिर पर काम जॉब जी अज अपनी डन हो गई है इतों वापसी है एडमिंटन की उस तो पहले इतों खाने कुछ लो जी आह वाली साइट सी जिते उन्हें लोड डिलीवर करके तो निकल गए इतों तो हम जा रहे हैं इधर वापसी इधर एक मैकडॉनल्ड्स है नेड़े उत्थे जाना है उत्थे खाने कुछ ओए मैकडॉनल्ड्स अच्छा सो वाला मैकडॉनल्ड्स जरा उ ट्रक लाने जगह नहीं सी हैगी पर इतने फ्लाइंग जो है ट्रक लैके ला के तो उत्थे जा रहे हैं गर्मी बहुत है अच्छे ट्रक के खासी गर्मी लगती लगता है मेरा ट्रक का AC जरा कोई भी काम करना बंद कर गया पता नहीं की चक्कर है सुनो वापस करा के ठीक करावे चलो कल नू पहुंच जाना वापस 4 तारीख अच्छा इतना रेस्टोरेंट है उ ट्रक स्टॉप दे थैंक यू नसुख चल दे ट्रक आइस उत्ते टायर मेले खानी पैंदी उदो यारा जद खुल देनी डिल टिम हटन ना यारी एस्परेसो चले शॉट बन जांदे पैसे बैक हुंदी अक लोड तंग करे न्यू लॉग सड़कां दे उत्ते फॉग करे पहुंचने दी काली आ पछोड़ियां दे रोग जिंद तलियां दे उत्ते देख फिरदे आ डाई अड मिंट नो अमरीका जिम्मेवारी ले आई बाई दिलदार सारे जो ट्रकां वाले यार एह नींदर वाले लड़ लोड ला दिंदे पार एवे जानी ना गवार जट पूरा रोबदार सड़क कहाँ ते बेल्ट करे
लग जरी कार ट्रक रिया यार नहीं ट्रक रिया यार। सुहिंदर साहब कहते ने कि साड़ी एहो ही वेकेशन एहो ही क्रूज वह गल आ जाती है कि जो इदा बहुत सोहने सोहने रेस्ट एरिए लोकेशन आदि ने देखने को वधिया लगते जीडिया उन्होंने रुकन का बहुत नज़ारा आता जिदा तुम्हें पता ही है विंटर के सारी विंटर के बहुत औखा होता ट्रक चला मतलब कि बाहर खलो नहीं सकते सुख का सह नहीं रख सकते ट्रक चो बाहर निकलना बहुत औखा लगता पर अजक दिन जे वाले इदा के व्यू आते राह जिम्मे देख रहे हो इन्हों बहुत बहुत वधिया लगता यार ड्राइवर की तो उही गल आ गई कि यही है वेकेशन यो ही है साड़ी क्रूज यो क्रूज देना वा तो यो वेकेशन पर जाना आ अगली लाइन मैं याद नहीं है कि सी ट्रक रे यार गाना प्रदीप हुंदल जरा वह भी जल्दी आऊगा। अच्छा रेस्ट एरिए इतने रुकिया मैं वापस आंदा ग्रेट फॉल्स मोंटाना पहुँचने वाला हाँ थोड़े टाइम में पहुँचना है पर उस तो पहला इतने रुक के थोड़ा मैं हाँ कि सुखा सह लै लीए बस व्यू अबजोर्व कर लीए क्योंकि रेस्ट एरिया बहुत वधिया आया सीगा साफ जिहा रेस्ट एरिया तो मैं एक तुम भी नाल दिखा सकते हैं अपने को कैमरा भी दूजा वड्डा है सो इस कैमरे के नाल वधिया वधिया शॉट्स आ ली चाह है ना मैं दस तुम वधिया लग रही होगी वीडियो या लोडिंग करवाती सी उत्थे उहदी स्टोरी मैं दसी नहीं चंगी तरह की होया सीगा उत्थे लोडिंग ते वह अनलोडिंग कराने के लिए उन्होंने एक बंदा जिहड़ा जिद्दां वेट करन लई मेरे लई रख्या सी खास क्योंकि जिस टाइम तक मैं पहुँचे उन्होंने जिहड़े जिहड़े मेन नॉर्मल आवर्स होंदे ओवर हो गए सीगे पर उन्होंने एक बंदा उद्दां ही जिदा ओवर टाइम पर वेट करन लई उन्होंने रख लिया सीगा। तो उस मित्र ने अपना लोड लाया सी यार की हाँ। सो जो भी मैं किसी नवी जगह पर जाना है ना जिदा नवे शहर जाना जिते मैं नहीं गया नवी रोड से जाना इदा लगता मैं जिदा वीडियो गेम का कोई लैवल नहीं नवा अनलॉक कर लिया होंगे जिदा क्योंकि अपने दिमाग में अपने फिट हो जाता कि अच्छा उस एरिए भी गए हैं उधर कि भी गए हैं है ना जिदा हम आला जिथे जिथे जिस रेस्ट एरिए मैं अज हाँ ज होने जिहड़े शहर मैं गया वा इन्हां जगह तो मैं पहला नहीं गया है ना सो मेरे लिए आड़ी ये भी एक अज का अज एक डिफरेंट जगह से डिफरेंट एरिया सगा रेस्ट एरिया भी ऑब्वियसली डिफरेंट आ इदा रेस्ट एरिया मैं कभी भी नहीं देखा जो इदा की सराउंडिंग वगैरह हो गए वधिया है नाइस लग रहा तो दिन बहुत ही लाजवाब दिन आ बहुत ही पहला धुप सी गर्मी सी पहला बहुत ज़्यादा गर्मी लाती पी पसीना ही आता ही औखा सी काम करना पर हुण बहुत वधिया दिन आ साफ है उपरों कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी आपां नूं ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਕੁ ਪੰਜ ਛੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਕਾਟੂਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੀ
साढ़े छे सत्त घंटे लग जाने ट्रक के इनफैक्ट क्योंकि लोडेड ट्रेलर है अपना तो रोड जी सीधा हाईवे नहीं है छोटिया रोड जानी ने मेरे हिसाब ना सो सवेरे ये वाला लोड जोड़ा आनू अनलोड करवा के एक होर लोड चुकना वह हडसन वे तो जेकर मिल जाता है हम पक्का नहीं पता वह सिस्टम है पर मतलब कि हूँ जो रातों रात नहीं शाम ही तुरे रहना वा उत्थे जाके जिथे लोड लगाना उधर नेड़े तेड़े जाके तो उत्थे रेस्ट करांगे सो स्टिफ नैक होई पई जिवें तुहानू पता ही आ कई बार दस सकते स्टिफ है नैक मेरी वो इदा हो जाता फिर जो हूँ जो ट्रक चलता है हलारे वजद है ना जो धौन इदा तो हिलती है उदो बैलेंस कर थोड़ी पीड़ करती इतों तो एक साइड तो जिदा हूँ मैं खिलाने की कोशिश कर रहा सीधी तो मैंने पता है कि मैं थोड़ा जहा जी धौन है एकदम साइड पर सज्जे बंद जो मैं सीधी करने की कोशिश करता इतने उत्तर पीड़ कर लग पी सो इतों अगे नहीं जाती इतना बिना पीड़ किए इधर जी इधर जिदा मर्जी करी जाव पर इधर नहीं सो खिच पा छी सारी रात पता नहीं कितना टाइम लाना ठीक हूँ पिछली बार तो हफ्ता ही लग गया लगभग जो पिछली बार हुई थी पर पिछली बार इदा सी हूँ तो चलो फिर भी आड़ा मोशन ठीक है मेरा जरा आ वाला वा ये भी ठीक है बस एको ही साइड जो इतों टिल्ट करनी तो इधर वो नहीं होंगी अच्छा सचा पार्किंग लॉट पता नहीं देखता कि मैं पिछे सो पार्किंग लॉट है पिछे पेट्रोल पास का मुझे पता नहीं मैं कैमरा उपर चक्या करता डीजल पै चलिया अपना डीजल कितने लीटर हो गया साढ़े पाँच सौ सौ साढ़े पाँच सौ लीटर जो लगभग पै चलिया बहुत ही नेड़े है कैमरा जिहड़ियां रोड सीगियां हुण तक सिंगल रोड ही सीगियां कोई ट्रक स्टॉप वगैरह भी नहीं आया तो लोड अपना सैट ही रहा एक स्ट्रैप ढिली हुई है जी ढिली हुई आप कस लैनी है हूँ आ वाली स्वाट जी स्ट्रैप एक ढिली हुई बाकी जरा वा सैट ही रहा काम तो या ट्रक स्टॉप घट नहीं रहा जिवें मैं दस चुका शामा पैण लग पी ने चार घंटे की ड्राइव अजे होर पई है इतों सस्कटून की अंदर मैं चलना कुछ खाने लैने कुछ पीने लैन उसे तो मिलते अच्छा जिदा हूँ जिम्बल ना शॉर्ट्स लेते काफ़ी स्ट्रैस पैगी धौन जी हम पक्की लगता थोड़ी टाइम इदा ही रहनी है थोड़ी जी विंखी चलो आना अंदरों ट्रक स्टॉप You truck? I'm a trucker. You're a trucker. Where you headed? Oh, I'm from Wainwright. I was a rig mover. I sold all my trucks. Sold. I got a neat video in the truck. I should show you. I hauled an old scraper from Swift Current. It's an old fucker, right? Oh, it's on my phone. Come out to the truck. I'll show you. Sure. Why not? Okay. I gotta pay for this. Give us this dip. I do. I don't buy it at all. No, that's. Yeah, I'm just out here in the Black Fort. Yeah, I'll be right there. Okay. Mm-hmm. Clean up, bag, please. Swift current. Oh, can I just fly? That's my old haze. Oh, is that yours? Oh, okay. That's what you're driving. Yeah, then it'll be in there.
S-I-N-G. Sing. Yeah. Sing. S-I-N-G. Probably heard a lot of those. Oh, yeah. Yeah, well, I go to Kazana all the time. You go to where? Kazana. Where is that? On 107th Avenue and 107th. Oh, Kazana. Kazana. Yeah, yeah, yeah. And I come out from there and I talk kind of funny for a little while, then I'm okay. Do that one more time. Yeah, Supriya. See, my brother-in-law, 35 years ago, was East Indian. So when we'd go to his place in the city for Christmas, he'd make all these Indian dishes. And I fucking fell in love with it. I make my own. I make my own curry. Awesome. I grind my own cloves. I do it all myself. I go to the spice center and get everything. You're really good at that. Funny guy. So I'll send you this stuff. Yeah, please do. That'd be nice. And then Morley Muldoon, my name. So put your Morley. Morley. Last name? Muldoon. 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 M-U-L-D-O-O-N. Muldoon. Muldoon. I'll put it in the Marmo videos. Okay. Nice meeting you. Thank you. Okay, we'll see you again. Yeah. ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਆਲ ਰਾਈਟ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੱਚੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਪ ਲਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਪਾ ਆਓ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਸਸਕਾਟੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਤੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧੋਣ ਮੇਰੀ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਭੀੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਡ ਲੱਥ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲੱਥ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਠੀਕ ਲਾਸਟ ਪੈਕਟ ਮਿੱਤਰਨੀ ਬੀਬੀ ਆ ਚਾਹ ਕਾਰਨਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਲੇ ਕਾਰਨਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਪ ਪੜਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸੀ ਐਡਮਿੰਟ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੁੰਦਲ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਸੋ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਪਾਉਣਾ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਪਰ ਮੰਡੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੰਡੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਏਰਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੱਚਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਏਰਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਬਾਈ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਬਿਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਯੂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਵਰਡਸ ਆਫ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
डिसूजा वीर का नाम है जिदा हमने पढ़िया मैसेज ने वजिए लगा भाई एरन एरन डिसूजा अदर दैन दैट मैं कॉफी चकन चलिया वा कॉफी चक के लैके निकलते हैं होर तो तुम इतों की दिखा हूँ या All right. ओ चार तेरे नाम बलिए ओ चले शरेआम